नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोड और ग्रुप डेटा। लास्ट लेक्चर में हमने मीन देखा था, ये मोड। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ा भी है। एक ही फॉर्मूला है, सीधा साधा फॉर्मूला है, वैल्यूज निकालो, पुट करो, आंसर निकालो। वैल्यूज निकालो मतलब इन द सेंस के चूज करनी है, ऐसा कोई भेजावारी भी नहीं करनी, एक्स आई वैक्स आई और सबका, ठीक है। चलो सबसे पहले जो आपने नाइन्थ में पढ़ा था वो हम देख लेते हैं। क्या पढ़ा था? विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच। बॉलर है, उसने क्रिकेट मैच में पहले मैच में 2 लिए, दूसरे में 6, तीसरे में 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 और 3। सो व्हाट इज मोड? तो आपको पता है मोड मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो। ओके, तो 0 विकेट कितनी मैच में? एक मैच में यह गया। 1 विकेट कितनी मैच में? एक मैच में गया। 2 विकेट कितनी मैच में? 3 मैच में हो गया। 3 विकेट 2 मैच में गया। 4 विकेट एक, 5 विकेट एक और 6 विकेट एक। तो सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिमम कौन है? 3 टाइम्स वो 2 विकेट ले रहा है। सो मोड ऑफ द डेटा क्या हो जाएगा? मोड ऑफ द डेटा इज इक्वल टू 2। जितनी बार वो रिपीट होता है वो नहीं, इसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं। मोड हमेशा एक्सा ही होता है, बराबर। एक्सा मतलब गिवन पार, डन। ये आपने मोड मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो आपने कहाँ पे पढ़ा था? नाइन्थ में। तो सर हम यहाँ पे टेंथ में क्या पढ़ेंगे? तो टेंथ में आपके पास क्लास गिवन होगा, उससे मोड निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर मोड, ठीक है। मोड इज इक्वल टू एल, मोड को हम जनरली जेड से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो होल अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। सर ये तो मीन से भी खतरनाक फॉर्मूला है। कोई खतरनाक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है। l मतलब आपको सबसे पहले क्या चूज करना पड़ेगा? मॉडल क्लास। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की मान लो कोई भी क्लास होता है, उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों होंगी, तो l इज द लोअर लिमिट। h मतलब उस क्लास की साइज। f1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, दैट क्लास मतलब वो जो मॉडल क्लास है वो। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास और F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिंग क्लास। ये 5 चीज आपको फाइंड करके इसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ टेबल में गिवन होगा। एग्जांपल के तौर पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। क्या बोला? फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। चलो, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, फैमिली साइज दी हुई है, नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है। इफ अगर आप टेबल बनाओगे, भले ही क्वेश्चन में गिवन हो, टेबल बनाओगे, दैट इज गुड पार्ट। अगर नहीं बनाओगे तो इट्स ओके। अब सबसे पहले तो इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा? सबसे पहले तो मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? 7, 8, 2, 2, 1, 8। तो ये अपना क्या होगा? मॉडल क्लास। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया? 3, 2, 5। तो L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो गया 3। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास कितनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 8। फ्रीक्वेंसी F0 मतलब उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी। देखो जो मॉडल क्लास होता है ना, वो आपका F1, उसके पहले F0 और उसके बाद F2। तो अब बताओ आपका F0 क्या होगा? 7। और F2 क्या होगा? F2 होगा 2। सर एक चीज और रह गई, वो है h। h मतलब क्लास साइज, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। सब कुछ मिल गया, बराबर है। वापस सबसे पहले जो मैक्सिमम होता है उसको सिलेक्ट करो, मैक्सिमम कौन है इसमें? 8। तो वो मॉडल क्लास हो गया 3 to 5, उसकी लोअर लिमिट l, वही उसका फ्रीक्वेंसी f1, उससे पहले f0, उसके बाद f2 और क्लास साइज 2। ओके, अब हमें फाइंड करना मोड का फॉर्मूला, ठीक है। तो इतना मिल गया, therefore मोड का फॉर्मूला भले आपको आता है फिर भी लिखो, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, बराबर है। अब बताओ l क्या है? 3। आपने सबने लिख लिया, f1 कितना है? 8। f0 कितना है? 7। 2 इनटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इनटू 2, है ना, सारी वैल्यूज वही डाल दी। F0 की जगह 7 डाला, F2 की जगह 2 डाला, सब कुछ जो हमने आगे निकाला था वही वैल्यू डाली। 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1, 8 टू 16 माइनस 9,
16 माइनस 9 इज 7 इंटू 2, सो 3 प्लस 2 बाय 7. ओके, व्हाट इज 2 बाय 7? 2, 7, 0.0. 7 2 जा, सॉरी 7 2 जा, अरे 0.2 यहाँ पे, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, 4, 7 5 जा 35. तो 3 प्लस 0.29, 85 है ना, तो राउंड ऑफ करके 29, तो 3.29 अप्रोक्सीमेट वैल्यू. लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, सो मोड ऑफ द डेटा क्या होगा, 3.29. इजी, कुछ नहीं करना, यही करना है, ठीक है. एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट कर दें. एक्सरसाइज 14.2 बराबर, उसका पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, 5 से 15 साल के, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 टू 55, 55 टू 65. फाइंड द मोड एंड द मीन. अब देखो, मोड एंड मीन है, तो मैं मोड आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, मीन तो आपको पता ही है ना, मीन पार्ट आप खुद फाइंड करोगे, मीन एज अ होमवर्क पार्ट कर सकोगे ना बेटा. मीन के लिए देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, मीन के लिए ये होगा आपका क्लास, ये हो जाएगा आपका एफ आई, फिर निकालना एक्सरसाइज. याद करो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी, मैंने सारे के सारे इसलिए मैंने खुद करवाए थे, ताकि अभी होमवर्क इसलिए दे रहा हूं, तो खुद तो थोड़ा प्रैक्टिस करना. क्लियर, पक्का? चलो, तो अभी हम मोड फाइंड करते हैं. फॉर मोड सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास. बताओ मॉडल क्लास इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है, नंबर ऑफ पेशेंट, फ्रीक्वेंसी 23. तो मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा, 35 to 45. तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे L35. F1 मतलब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, 23. F0 मतलब उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी कितना, 21. और F2 मतलब उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितना, 14. और H मतलब क्लास साइज कितना, 10. कोई प्रॉब्लम इधर तक, किसी को डाउट नहीं है ना? बस अब हमको क्या करना है बेटा, यही चीज देखो, कुछ भी नहीं करना है, एक चीज आपको फालतू गिरी उसमें, जैसे एक्साई वैक्साई की तरह नहीं करना. अब हम फाइंड करेंगे मोड, इस सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. बताओ L की वैल्यू क्या निकली थी, L की वैल्यू आपकी निकली थी 35 लोअर लिमिट, प्लस F1 क्या निकला था आपका, बताओ F1 आपका निकला था 23, F0 क्या निकला 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 और आएगा माइनस 14 आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, माइनस 14 और इंटू H इज 10, सो 35 प्लस 23 माइनस 21 इज 2, 46 माइनस 21 माइनस 14, 46 माइनस 21 इज 25 माइनस 14 इज 11 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 20 बाय 11, और 35 प्लस 20 बाय 11 कितना आएगा आपका 1.81, तो फाइनल आंसर आएगा 36.81. और आपको क्या लिखना है फिर, और आपका मीन का वैल्यू मैं बता देता हूं, जो होमवर्क में आपको करना है, मीन की वैल्यू आएगी 35.38. वो आपको करना है बेटा, मीन मैंने आपको बता दिया, मीन आपको करना है, ठीक है. कितना हुआ, एक क्वेश्चन को 4 मिनट लग रहा है, कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. 225 कंपोनेंट्स है, उससे कोई लेना देना ना, हमें क्या फाइंड करना, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉडल क्लास. मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा 61 है, तो उसका मॉडल क्लास कितना हो जाएगा बेटा, 60 to 80. तो उसकी L, फिर L मतलब आपको लोअर लिमिट फाइंड करना है, 60. F1 मतलब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी,
कितनी आई 61। एफ टू मतलब उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आई 38। एफ जीरो मतलब उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आई 52। और एच डिफरेंस कितना आया 20। ओके बस यही फाइंड करके फिर आपको क्या पुट करना है, देयरफॉर आपको पुट करना है मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू सी। एल की वैल्यू 60 प्लस एफ वन कितना है 61 माइनस एफ जीरो कितना है 60 टू इंटू 61 माइनस 60 माइनस 38 इंटू सी की वैल्यू 20। एफ जीरो मेरे ख्याल से 52 है। एफ जीरो 52 है तो 52 60 और 61 माइनस 52 9। 52 और 38 होगा 60 बराबर है और 2 इंटू 61 होगा 122 माइनस 60 तो ये हो गया 62 इंटू 20। पांचों तीन आठ और नब्बे सॉरी 42 हो जाएगा ये 42 भी नहीं 32 क्या कर रहा हूँ सॉरी यार बहुत मिस्टेक सॉरी। हाँ तो ये हो गया 32। अब पहले तो इसको और इसको कट मारो, 4 से कट मारोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 से कट मारोगे आएगा 8 तो 60 प्लस 9 5 जा 45 बाय 8 और 45 बाय 8 का आंसर आएगा 5.625 और फाइनल आंसर 65.625। और लास्ट में आपको क्या करना है स्टेटमेंट लिखना है। इजी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा आगे। ओके द फॉलोइंग डेटा गिव दैट दिस इज 200 फैमिलीज फाइंड द मॉडल मंथली और उसके बाद मीन भी फाइंड करना है। सो मीन वाला पार्ट आपका होमवर्क और उसका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मीन का आंसर आएगा 2662.50 एक्स बार आएगा ठीक है। यस तो हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड मोड फर्स्ट। सो उसके लिए हमें चाहिएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करोगे, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है 40 है। हाँ एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपने फॉर्मूला देखा होगा तब आप सोच रहे होगे ओके बेटा मॉडल क्लास क्या आएगा इसका, तो सबसे ज्यादा 40 है तो 1500 टू 2000 होगा ठीक है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 1500, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 40, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 33, उसके बाद की 24 और एच कितना आ जाएगा 500। मैं आपको एक चीज बता रहा था मैं भूल गया और वो चीज है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कभी ये आप हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती इस, ये एफ वन नहीं हो सकता पहला या लास्ट वाला, वो नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर उस ये हमारा एफ वन हुआ तो हमें एफ जीरो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा वो नहीं आएगा। अगर मान लो ये हमारा एफ वन हुआ तो हमें एफ टू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, सो वो टेंशन दिमाग से निकाल लीजिए कि भाई फर्स्ट और लास्ट एफ वन आया तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद मीन भी फाइंड करना है जिसका आंसर मैंने दे दिया। सबसे पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल 1500 था प्लस एफ वन कितना आया, एफ वन आया आपका 40, एफ जीरो कितना आया 24, 2 इंटू एफ वन कितना आएगा 2 इंटू 40 माइनस एफ जीरो कितना आया 24 माइनस एफ टू, एफ टू मतलब उसके बाद वाला 33 और इंटू एच, एच कितना गैप का है 500 के गैप का है। सो 1500 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 जो होगा 80,
इंटू फाइव 57, 80 माइनस 57 कितना होगा 23 इंटू 500, 16 इंटू 500 8000 डिवाइड बाय 23 कितना आंसर आएगा 347.826। तो ऐड करोगे तो 1847.83 अप्रोक्स, क्योंकि राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है बेटा, डन। ओके नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड द मीन। मोड एंड मीन, मीन तो फाइंड आप कर दोगे, मीन का इसका आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके मीन का आंसर आएगा 29.22, इसके मीन का आंसर आएगा 29.22, वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो मोड के लिए हमें सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी मिलेगी 10। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 30 से लेके 35, एल उसकी लोअर लिमिट 30, F1 उसकी खुद की वैल्यू 10, F0 उसके आगे 9, F2 उसके पीछे उसके बाद 3, और H कितना हो जाएगा 5 का। सब कुछ वैल्यू आपके पास है, देख पा रहे हो, करना क्या है ये आप बोलो सर कुछ भी लिखे जा रहे हो, एक्सप्लेन कौन करेगा, मैं करता हूँ एक्सप्लेन करने के, मैं हूँ। ये हमारा F1, ये हमारा F0, ये हमारा F2, H मतलब दोनों का डिफरेंस 5, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, बराबर, क्लियर हो। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। अब बताओ L हमारे पास कितना निकला 30, F1 निकला 10, F0 निकला 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H निकला 5। 30 प्लस 10 माइनस 9 इज 1, 20 माइनस 12 इज 8 इंटू 5। 30 प्लस 5 बाय 8 होता है 0.625, तो इसका आंसर आएगा 30.625, और फिर आपको स्टेटमेंट लिखते हैं। इजी, करना एक ही चीज है बेटा, और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तो सिर्फ क्या बोला है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मोड बताओ इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 18, तो ये हमारा क्या हो गया मॉडल क्लास हो गया, ये हमारा F1 उसके बाद F0 और उसके नीचे F2 उसके बाद नहीं उसके पहले F0। अब हम सबसे पहले तो मॉडल क्लास लिखते हैं, मॉडल क्लास क्या होगा 4000 to 5000, एल की वैल्यू 4000, F1 उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 18, F2 9, F0 4 और H गैप कितने का 1000 का। सिर्फ मोड फाइंड करना है, सो देयरफॉर मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। L कितना है, L जल्दी से बताओ, L है हमारा 4000 प्लस F1 कितना है 18, F0 कितना है 4, 2 into 18 is 36 minus F0 is 4 and F2 is 9 into H is 1000, 4000, 18 minus 4 is 12, 4 and 9 is 13, 36 minus 13 is 23 into 1000 कितना आएगा, ये 12,000 by 23 हो जाएगा। ओके 36 माइनस 4 का 39, हाँ सही है 25 होगा, 36 माइनस 4 32, 23 सही है, 23 एंड 4 27 है ना, सही, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस 12,000 बाय
23। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको एलसीएम लेके प्लस करके फिर डिवाइड करते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसका आंसर 608.695 इतना आएगा, ऐड कर दूंगा 460.695 और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ओके और लास्ट क्वेश्चन फाइनली, मॉडल क्लास बताओ। सबसे पहले मॉडल क्लास सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 20 की है। तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया 40। कुछ चेक ही नहीं करना हमें, देखो फाइंड द मोड दिया हुआ है तो आगे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, ये 3 मिनट्स और 100 और कोई लेना देना नहीं हमें इससे। एल कितना होगा 40, F1 मतलब खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी 20, F0 मतलब उससे पहले 12, F2 मतलब उसके बाद 11 और H कितना गैप है 10 का गैप है। H मतलब समझ रहे हो गैप, H इज गैप, सब कुछ तो दिया हुआ है। therefore आपको फॉर्मूला ही पुट करना है अभी, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। आपका L कितना है L है 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12, 2 इनटू F1 इज 14 माइनस 12, F2 कितना है 11 इनटू H कितना है 10, 40 प्लस 20 माइनस 12 इज 8, 28 और उसमें से 11 गया तो 17 इनटू 10, 40 प्लस इसका आंसर आएगा 4.7, आंसर इज 44.7 और लास्ट में उसका आप स्टेटमेंट लिख लोगे। ओह ये तो 22 मिनट्स भी नहीं हुए हैं, देख सकते हो आप। देखो हाँ इसमें मेन वाले क्वेश्चंस करते हो शायद 10-15 मिनट और लगती, बट वो मैंने आपको होमवर्क में इसलिए दिए है क्या कि आप ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी मोड में तो आप देख पा रहे हो क्या है, फॉर्मूला निकाल के पुट, फॉर्मूला निकाल के पुट, फॉर्मूला निकाल के पुट, और कुछ तो करना नहीं। ओके तो टेक केयर, आज यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मीडियन, मीडियन को शायद 2 दिन लग जाएंगे, वरना मीडियन अगर 1 दिन खत्म हो गया तो अपना काम हो गया, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज तो है नहीं। ट्राई करेंगे कि मैथ्स टू मैथ्स खत्म कर सके, फिर तो साइंस मैथ्स हमारा बिल्कुल कंप्लीट। ओके सो टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।